हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइव फ्लेवर्स प्लेट। आज की रेसिपी है जाली रोटी। यह इतना आसान है कि आप इसे हर रोज किसी भी वक्त बना सकते हैं। इसे आप चिकन करी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कोई और करी के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे। आप मैदे से भी बना सकते हैं। एक छोटा कप कोकोनट क्रीम या फिर कोकोनट मिल्क डालें। दो छोटे चम्मच तेल डालेंगे। एक अंडा, नमक स्वाद अनुसार, एक कप पानी डालें। हमें पतला सा डो बनाना है। जब आप ग्राइंड करें तब और थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें। हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी घाटे ना हो। अब हमारा लिक्विड डो तैयार है। अब हम लिक्विड डो को दो कटोरी में इक्वली ट्रांसफर कर लेंगे। लिक्विड डो ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। पीला रंग के लिए एक छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाएं। अब हम 3 से 4 ड्रॉप एप्पल ग्रीन कलर डाल देंगे। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। इस तरह के स्क्वीजी बॉटल में हम लिक्विड डो को डाल देंगे। अब तवे पर थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेंगे। लिक्विड डो को हम जिगजैग या सर्कुलर मोशन में इसे तवे पर डाल देंगे। बिल्कुल जाली के जैसे लगना चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। टूट जाएगा ऐसा सोचकर आप घबराना नहीं, ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप बहुत ही आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। क्या आपने कभी नीर डोसा खाया है? इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। इसे 1 मिनट तक पका ले और पलट दें। इसे हम लाल लाल निशान आने तक नहीं पकाना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि हमने रोटी को स्टीम किया हुआ है। जब ऐसे दिखे तब उसे आप निकाल लें। ये बहुत देर तक मुलायम रहते हैं। आप एक बार बना के देखिए। अब हमारी जाली रोटी तैयार है। अब फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जैसे कि तवे पर तेल ब्रश करना और फिर लिक्विड डो को सर्कुलर मोशन या फिर जिगजैग में स्प्रेड कर ले। ये बड़ा वाला जलेबी जैसा दिख रहा है ना? ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ना? आप बिना तेल के भी इसे बना सकते हैं। आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं। मान आए और आपको रोटी बनानी है तो इसे आप झटपट बना सकते हैं। आटा गूंदने की जरूरत ही नहीं है और इंस्टेंटली बना सकते हैं। ये क्लासिक रेसिपी है। अगर आप चाहे तो इसमें कोई भी मसाला डालकर इसे मसालेदार रोटी बना सकते हैं। सारे जाली रोटी हम ऐसे बना लेंगे। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है आप उसी तरह जाली रोटी को फोल्ड कर ले। आप इसका मीठा वर्शन भी बना सकते हैं। नमक की जगह शक्कर डाल दें और थोड़ा सा वेनिला एसेंस या फिर रोज एसेंस डालकर बना लें। ग्रीन जाली रोटी को हम सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जाली रोटी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।